नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरियानाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ गर्मी के दिनों में होने वाली परेशानी काच, फंगल इन्फेक्शन जो कि आपके जांघों में होती है, उसकी होम्योपैथिक औषधि बताने जा रहा हूं। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी समस्या को होम्योपैथिक के द्वारा दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। गर्मी के मौसम में काच की समस्या बहुत से लोगों को देखने को मिलती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खासकर ये दोनों जांघ के पास होती है, इससे वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर जिनका वजन ज़्यादा है, जो मोटे लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा निकलने के कारण ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और इससे दोनों जांघों के बीच छाला टाइप का पड़ जाता है। रात को जब वे कपड़े खोलते हैं तो खुजली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे उसे नोचते नोचते उससे खून निकाल लेते हैं। नोचने के समय तो बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु उसके पश्चात उसमें जलन शुरू हो जाती है जिससे वे काफ़ी परेशान रहते हैं। जब आप कपड़ा खोलते हैं रात्रि में, जब सोने आप जाते हैं एवं कपड़ा खोलते हैं, उस समय हवा लगते के साथ ही खुजली चालू हो जाती है। होम्योपैथिक में इस फंगल इन्फेक्शन के लिए दवा है टेलुरियम 30 एवं सल्फर 30, दोनों को समान मात्रा में मिलाकर सुबह दोपहर शाम आपको 2 बूंद करके सेवन करना है। साथ साथ होम्योपैथिक की औषधि कैलेंडुला क्यू से सुबह शाम आपको अपने जांघों को पोंछना है। उसके पश्चात 3 औषधियों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाकर फंगल इन्फेक्शन जहां हुआ है वहां सुबह शाम लगाना है। इससे आपका वो आपकी काच लगने की समस्या समाप्त हो जाएगी एवं खुजली से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो होम्योपैथिक की ये 3 औषधियों में पहली औषधि है सल्फर क्यू, दूसरी औषधि है एजाडी रेक्टा क्यू एवं तीसरी मेडिसिन है इचिनेसिया क्यू। इन 3 दवाओं को आप होम्योपैथिक के शॉप से खरीद सकते हैं एवं इन 3 औषधियों को समान मात्रा में मिलाकर आपको रूई से सुबह एवं शाम इफेक्टिव पार्ट पे लगाना है। इससे आपकी समस्या बहुत ही जल्द आराम हो जाएगी, परंतु ये याद रखें कि होम्योपैथिक की औषधि टेल्यूरियम 30 एवं सल्फर 30 को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करना है 3 बार, दिन भर में 3 बार, लगातार 7 दिनों तक इन औषधियों का सेवन करना है। साथ ही साथ इफेक्टिव पार्ट पर लगाना भी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 7 दिनों के पश्चात अगर आपको समझ आए
कि आपका फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, तो दवा सेवन करने की तो दवा सेवन करने का समय आप बढ़ा दें। जैसे दिन भर में आप 3 बार 2 गुण करके ले रहे हैं, तो 7 दिनों के पश्चात आप 2 बार लें, फिर 3 दिन के पश्चात आप उसे 1 बार लें, पुनः 3 दिन पश्चात आप औषधि को बंद कर दें। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि होम्योपैथिक औषधि को लेने का सिद्धांत यही है कि जब दवा असर करने लगे तो धीरे धीरे दवा को बंद कर देना चाहिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको अगर काच जैसे इन्फेक्शन से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि सुबह शाम आपको कैलेंडुला क्यू से उस इफेक्टिव पार्ट को साफ करना है, उसके पश्चात होम्योपैथिक की तीनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन सल्फर क्यू, एजाडिरेक्टा क्यू एवं इचिनेशिया क्यू को रुई से, जो कि आपने मिला के पहले ही बना रखी है, उसे सुबह शाम लगाना है। साथ ही साथ टेल्यूरियम 30 एवं सल्फर 30 का सेवन आपको करना है। इससे आपके फंगल इन्फेक्शन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन अवश्य प्रेस करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।